जो सदस्य है वो भी हम लोगों से मिलने के लिए आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि ये हमारी बड़ी दादी जी है। ये सभी सब कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चलते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। चले मैक, हाँ चले मम्मी, चल चलो। और ये गोभी की सब्जी है हाँ। जो सुबह बनी थी, तो जो अभी एक्स्ट्रा है तो खा लेंगे कोई ना कोई। हाँ। आप क्या कहना चाहती हो महक के बारे में? हाँ, सब में एक साथ घुल मिल जाती है तो। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स में। सो गाइस, आज है, आप सभी को पता है कि आज होली का दहन होने वाला है, तो अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं उस दहन के लिए। और सबसे पहले महक जाने वाली है यहाँ पे होली की पूजा करने वाला। तभी रेडी होना है गाइस, अभी मैं देख सकते हो सूट में ही हूँ। और सोच रहे होंगे कि ससुराल के अंदर भी मम्मी ने परमिशन दे दी कि तू सूट पहन सकती है, और देख सकते हो कि यहाँ पे सूट पहना हुआ है महक ने, तो कितनी अच्छी बात है। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मम्मी का नेचर कैसा लगा आपको। ठीक है, अब महक होने वाली है गाइस तैयार, और देखते हैं कौन सी साड़ी पहनेगी। मम्मी ने दी वो वाली साड़ी पहनोगी या फिर देखते हैं, बता अभी से सरप्राइज थोड़ी खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइस, अभी महक तो रेडी होने वाली है और उसके बाद में दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, अभी देख सकते हो कि अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं अच्छी तरीके से, पूजा करने जाने वाले हैं अभी हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे परिवार के जो सदस्य है वो भी हम लोगों से मिलने के लिए आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि हमारी बड़ी दादी जी है। चलो, महक को तो आशीर्वाद मिल गया गाइस, और बड़े बूढ़े को जो आशीर्वाद रहता है बहुत अच्छा रहता है हम लोगों के लिए, ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। और इनसे मिलाता हूँ मैं, देखो। और गाइस देख सकते हो कि ये जो है हमारी बहन है, हमारे बड़े पापा की लड़की है, और इनकी भी शादी हो चुकी है देख सकते हो, और ये इनका ही बेबी है। हेलो 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 गाइस, हेलो करो, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो। अभी पहचानता नहीं है ना, अभी पहचानता नहीं है ना मैं तुम, इसलिए बेचारी दुखियारी बैठी हुई। क्या हो गया बुआ? बुआ को सारा टेंशन आ गया है ना। चलो गाइस, अभी सब कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चलते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। चले महक, चले मम्मी, चलो पूजा करने के लिए चलते हैं गाइस। सोन और अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, चलो। हाँ, मम्मी को आने दो। देखो, पूजा की थाली रेडी हो चुकी है, और है ना, मुझे आता नहीं है अभी पूजा करना, तो मम्मी ही बताएंगे कैसे क्या करते हैं पूजा। हाँ, फर्स्ट टाइम रहेगा ना। हाँ, इसीलिए चलो। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और देख सकते हो कि यहाँ पे जो होली का सजी हुई है कितनी अच्छी तरीके सजाई हुई है। हमारे कॉलोनी के लड़कों लड़कों ने सबने मिलके अच्छी तरीके सजाई हुई है, देख सकते हो यहाँ। अभी पूजा करना स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। Yeah, come on.
सो गाइस अच्छी तरीके से यहाँ की पूजा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत नॉइज आ रही है ना। डीजे भी बज रहे थे लेकिन हमने बंद करवा दिए कॉपीराइट के चक्कर में, आप लोगों को बताइए थोड़ी देर के लिए। तो अच्छे से पूजा हो गई और मेरा ये नया एक्सपीरियंस था आज का, आप लोगों को बताइए। फर्स्ट टाइम होली है ना गाइस, महक की बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो ये तो सिर्फ दहन होने वाला है होली का, लेकिन जो होली होगी ना उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग कैसा लग रहा है, आपको भी ससुराल में हो ये सारी चीजें? मेरी सासू मम्मी मुझे बहुत चीजें सिखा रही है अभी, मुझे आता नहीं है सब पूजा करना, भी आज सीखी हूँ मैं, दादी ने सब कुछ आ गई है, धीरे धीरे कर करके सब सीखेगी गाइस मैं। और अच्छी तरीके से आप लोगों के सारे साथ में हम लोग सारी चीजें शेयर करेंगे धीरे धीरे करके, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलते हैं अभी घर और घर की सारी चीजें आपको दिखाते हैं आगे। सो गाइस अभी मेहमान आए हुए हैं, तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हो चाय बना रही है मेहमानों के लिए, सबके लिए। और ये महक खड़ी हुई है, महक अभी किचन में नहीं आ रही है गाइस, क्योंकि अभी महक आपको पता है कि अभी महक का क्या सीन है, क्योंकि महक फर्स्ट टाइम आई है ना, तो मम्मी ने अभी मना कर रखा है कि अभी किचन में मत आना, और होली के बाद में फिर हम महक की पहली रसोई को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। और अभी तो मम्मी बना रही है सभी मेहमानों के लिए चाय, और देख सकते हो महक यहाँ बन रही है गाइस, देख सकते हो चाय। क्या हुआ महक, चाय बनाने की इच्छा हो रही है? क्योंकि है ना मम्मी अकेले बना रही है और मैं बाहर खड़ी, इसलिए ऐसा। लेकिन तुम ऑलरेडी किचन में आ चुकी हो मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं आई हूँ, यहाँ खड़ी हूँ मैं। हाँ? वो सब बैठे हैं ना, तो मैं खड़ी भी हूँ, देख रही हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे तो मजाक मस्ती चल रही है, सब मेहमान वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, भुआ वगैरह सब बैठे हुए हैं। कुछ मुझे तो थोड़ी शर्म आ रही, शर्म आ रही। अब फर्स्ट टाइम सबसे मिल रही हो ना, फर्स्ट टाइम, धीरे धीरे सबसे पहचान होगी। एक तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि तुम अच्छी तरीके सबसे घुल मिल जाती हो जल्दी। थैंक यू। हाँ यही तो तुम्हारी क्वालिटी अच्छी, क्यों मम्मी ये महक सबसे अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है ना। हाँ मम्मी भी तारीफ कर रहे मेरी। देखो देखो शर्मा की शर्म कितनी आ रही है, ये देखो तो पूरा मुझे पालो, पूरा मुझे पालो। आप क्या कहना चाहती हो महक के बारे में? हाँ, सब में एक साथ घुल मिल जाती है, तो तरह से बात भी करती है ना। हाँ मम्मी को शर्म आ रही है गाइस, है ना। करने की आदत अपने को हो गई, शुरू में मुझे भी आती थी शर्म, लेकिन वो फर्स्ट टाइम शर्म आएगी है मुझे। क्यों शर्म आ रही है क्या मम्मी? हाँ कोई नहीं, अब धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी, क्यों है? जितने हम 10-15 दिन रहेंगे तो सब सीख जाएंगे, 2-4 दिन और में। हाँ तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा खाना अच्छी तरीके से लग गया है। आज क्या क्या बनाया स्पेशल? आज देखो चावल बने हैं और इसमें दाल है, ठीक है, और ये गोभी की सब्जी है जो सुबह बनी थी, जो अभी एक्स्ट्रा है तो खा लेंगे कोई ना कोई, और पूरी बनी है, रोटी भी है, और पूरी है, चावल है, दाल, मतलब दाल पूरी, चावल और पापड़, ये चीजें बनी है। क्या बात है, होली का तो मजा आएगा गाइस, मतलब नेचुरल खाना खाने वाले हम लोग घर का, अच्छी तरीके से बना हुआ। आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। देख लो अपनी तारीफ सुन ली, ठीक है, बहुत मुझसे तारीफ सुनने को बहुत अच्छा मिल गई। अब बहुत टेस्टी खाना बनाती सच में। हम जब आए थे ना, जब दाल बाटी बनाई थी, तो दाल जिस दिन हम आए थे मतलब कल, तो कल दाल बाटी बनाई थी शाम को, इतनी टेस्टी दाल बाटी थी, और मतलब फर्स्ट टाइम थी थी ससुराल में दाल बाटी थी। हाँ तो बहुत मजा आया, वो दाल बाटी का हम शूट नहीं कर पाए, बाटी नहीं थी, बाफले थे, बाफले थे वो गोल थे ना, इसीलिए हाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाफले थे। हाँ दाल बाफले थे, दाल बाफले थे, सॉरी गाइस। अंशुल एक्साइटेड है खाने के लिए, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा लेट। मामी का खाना कैसा लगता है आपका, सही सार बता? बहुत बढ़िया, मम्मी के और मामी के कोई टेंशन डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। चलो मम्मी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। आज तो मम्मी का उपवास था, तो आज लेट हो, होली का वो धान है ना, तो वहाँ पूजा पाठ करने गए, मेहमान आ गए, तो आप गए, आप टाइम देख सकते हो, अभी हम लोग तो खाना एंजॉय करने वाले हैं। और किस किस को दाल चावल पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अभी हम लोग तो खाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस अब खाते हो, टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसे बना है। मम्मी को तो अच्छा लगेगा इसे, मम्मी ने बनाया तो। अंशुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर टेस्ट ऐसा।
गाइस अभी मॉर्निंग में 5 बज रहे हैं और 5 बजे देख सकते हो कि हमारी आइस और अभी हम लोग उठ चुके हैं और सामने अभी मैं आपको बाहर दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे होली किस तरह से जल रही है। सुबह सुबह 5 बजे जलाई जा रही है होली, है ना। देख लेंगे, देखो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है और अच्छा है, देखना भी चाहिए कि होली को जलते हुए। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस देख सकते हो किस तरह से होली यहाँ पे जल रही है, मतलब होली का दहन हो चुका है गाइस। और आप लोगों को भी सभी को हैप्पी होली हम दोनों की ओर से गाइस। और देख सकते हो होली किस तरह से जल रही है, सारी बुराइयों का प्रतीक को ख़त्म हुआ और आज जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। तो स्टे ट्यून रहना आप लोग और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको, बाय बाय।